छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने पीएम से शिष्टाचार भेंट की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम बघेल ने मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के बारे में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी, साथ ही उन्होंने राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करें। वहीं इस दौरान सीएम ने उन्हें केंद्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ के राजस्व राशियों के बारे में भी जानकारी दी और शीघ्र उसे दिलाने का अनुरोध किया। इसके अलावा सीएम बघेल ने राज्य में विभिन्न नागरिक सुविधा में सुधार के लिए केंद्र से सहायता का भी अनुरोध किया है। तो मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये क्विंटल घोषित किया गया है और जानकारी दी कि देश का पहला मिलेट बैंक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है, जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद अन्य उत्पादक राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी वाणिज्य कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी से 3-4 बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में चर्चा हुई, समय पहले मांगा था और जो एजेंडा था उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जो कल उनके माताजी का स्वर्गवास हुआ तो स्वाभाविक रूप से मैं सोच रहा था कि मीटिंग आगे टल जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी कल ही वापस आ गए थे और सारे उनके कल की व्यस्तताएं और आज के भी कार्यक्रम को उन्होंने जस के तस रखा और उसके तहत फिर मेरी मुलाकात हुई। पहली बात तो ये है कि जो हमारे जीएसटी का जो पैसा रुका हुआ है 1300 करोड़ से अधिक की राशि, दूसरा कोयले की रॉयल्टी में जो पेनाल्टी लगा है 4170 करोड़, और तीसरा जो रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन है बार बार बंद हो जाती है, तो कम से कम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे ना हो भविष्य ना हो, और चौथी बात यह है कि हमारे जो उद्योगपति हैं, पहले ACCL से कोयला मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया तो उद्योग संचालन करने में परेशानी होती है। तो ये 4 बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में मैंने चर्चा की, और फिर मिलेट से 2023 का वर्ष घोषित है। मिलेट से जो मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे यहाँ है, शुरुआत लगभग 3 महीने पहले हमने उसकी की और 22 प्रकार के उत्पाद भी हो रहे हैं, और हमने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है और खरीदी भी हो रही है। पिछले साल ही 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा और इस साल रकबा बढ़ा है तो मात्रा भी उससे बढ़ेगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट मुलाकात की और ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। और शिखर पद की जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है, क्या क्या मुद्दे उन्होंने पीएम मोदी के सामने रखे? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सबसे पहले तो उनकी माता जी के निधन पर संवेदना व्यक्त की। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की लगभग 1 घंटे मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैसे शुरू करें। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें केंद्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशियों के बारे में भी अवगत कराया और शीघ्र प्रधानमंत्री का अनुरोध किया। बघेल ने राज्य के विभिन्न नागरिक सुविधाओं के सुधार के लिए केंद्र की सहायता के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया। कहीं ना कहीं अच्छी मुलाकात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेश बघेल की बातों को गंभीरता से सुना और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आश्वासन दिया कि जो प्रधानमंत्री से हो पड़ेगा वह सब बातों का विचार गंभीरता से करेंगे। प्रधानमंत्री ने मिलेट्स मिशन की सराहना करते हुए रायपुर में मिलेट्स कैसे शुरू करने की मुख्यमंत्री को सलाह भी दी। प्रदीप, अगर बात करें दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राज्य के विभिन्न राजस्व
से संबंधित मामले उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात रखी है। जी जी, मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न विषयों को रखा। प्रधानमंत्री को बताया कि मिलेट, सबसे बड़ा मुद्दा तो अपना मिलेट उत्पादन के बारे में बताया, जिसमें प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है ना। और उसके बाद जीएसटी, सबसे बड़ा मुद्दा कि जीएसटी लागू होने के बाद उत्पादक राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ को भी वर्ज्य कर राज्य में कमी का सामना करना पड़ रहा था। जीएसटी लागू के दिनांक 30 जून से 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ण राशि में 13,075 करोड़ रुपए राज्य को प्राप्त होना शेष है। राशि के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि जो अपनी रॉयल्टीज राशि है ये सभी दी जाए। जी सभी धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भूपेश बघेल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम समस्याओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सभी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया।